हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भैया आज हम आ चुके हैं फतेहपुर के सबसे बड़ा फेमस मंदिर साईं धाम, जो कि आरबी टेंपल के नाम से जाना जाता है, जो कि फतेहपुर जिला के पिंदकी में पड़ता है भाई, जो कि बहुत ही फेमस है। आप देख सकते हैं पीछे मेरा साईं बाबा का धाम है, मंदिर है। तो भाई अभी हम इस मंदिर की विशेषता बताएंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे, यहाँ कितनी साफ सुथरा हर एक चीज़। इसमें गार्डन है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग अपने यहाँ पर आकर अपनी पूजा अर्चना जो भी है उनकी श्रद्धा है भाई यहाँ करते। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगती है भाई, बहुत सारे लोग आते। तो इस समय हम थोड़ा दोपहर के टाइम पर आए हुए, तो यहाँ पर लोग कम आते। शाम के टाइम यहाँ पर बहुत सारे लोग आते, बहुत सारा भीड़ लगती, कीर्तन होता है, भजन होता है, साईं भजन होता है। तो आप देखिएगा अभी यहाँ की भव्यता देखिएगा, जो कि बहुत ही फतेहपुर जिले का सबसे फेमस मंदिर है भाई, आरबी टेंपल, जो कि भैया बिंदकी में स्थित है। तो अभी हम बैक कैमरा साइज के बारे में सब कुछ दिखाएंगे और आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो भैया वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो आप पूरा देखिएगा और मंदिर में जाएंगे और दर्शन भी आप लोग को करवाएंगे। तो देखिएगा साईं बाबा की कितनी खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है, कैसे बने हुए भाई। सब लोग का मानना भाई साईं बाबा बहुत अच्छे हैं भाई, समझ लीजिए सबकी मनोकामना पूर्ण करते, सबकी सुनते भाई। तो बैकग्राउंड में हम सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भैया, हम इतने समय आ चुके हैं आरबी टेंपल, देख सकते हैं ये ऊपर का इसका गुंबद है और ये बाहरी हिस्सा गेट है, यहीं पर से सब लोग अंदर, इसका प्रवेश द्वार है। तो देख सकते हैं अब अंदर जाने वाले हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ की सुंदरता बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने मंदिर दिख रहा है आपको, आरबी टेंपल देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बना, बहुत ही भव्य बना हुआ है। इसकी खूबसूरती देखने में कितनी अच्छी लग रही है भाई, अभी कैमरा में आपको बराबर नहीं दिख रहा, अभी हम पास में आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो भैया वीडियो भी स्किप मत कीजिए, पूरा आज वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड जैसा कि देख रहे हैं अब हम इस समय जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाइट संगमरमर लगा हुआ भाई, जो कि बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर है। और बीच में देख लीजिए कि इसमें हरी हरी पट्टियाँ लगी हुई हैं, देख सकते हैं अब बहुत से दर्शक लोग अपना दर्शन करके देखो वापस भी आ रहे हैं। और देखने में बहुत अच्छा बना भाई यहाँ पर, तो देखिएगा कितना, देख लीजिएगा इसका ये अंदर का द्वार है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ, और अंदर इसके झूमर भी बहुत प्यारे प्यारे लगे। तो और हम अंदर देखो पहुँच चुके भाई, ये फाइनली बहुत अच्छा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा हर एक चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर, यहाँ पर धुई होती है अगरबत्ती, जो भी आते हैं श्रद्धालु लोग यहाँ पर अपना अगरबत्ती सुलगाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बढ़िया बना हुआ, देख लीजिए कितना प्यारा इसकी डिजाइन है, कितना मस्त लग रहा है। यहाँ की फर्श देख लीजिएगा कितना बेहतरीन, और फर्श की डिजाइन देख लीजिएगा कितना बहुत ही भव्य लगा बना हुआ। देख सकते हैं ये अंदर का इसका दरवाज़ा है, जो कि एक फर्स्ट दरवाज़ा है, इसमें दो दरवाजे हैं, तो भाई एक देख सकते हैं तीन दरवाजे भाई साहब। देख ये दूसरा दरवाज़ा है देख सकते हैं, और ये इधर तीसरा दरवाज़ा है देख सकते हैं, तीसरा दरवाज़ा भी वैसा सेम टू सेम बना हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा वाइट संगमरमर से बना हुआ भाई। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन यहाँ पर लगा हुआ है, कितना अच्छा बेहतरीन है। यहाँ पर से आप यहाँ पर से बाहर को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही लुभावना, देख सकते हैं यहाँ पर से कितना अच्छा बेहतरीन गार्डन है यहाँ पर। अभी हम गार्डन में सबको आपको दिखाने वाले और बताने वाले, देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना बेहतरीन लग रहा है। आप यहाँ छत से आकर के आप बाहर को देखेंगे तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी देखो धीरे धीरे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, तब हम जाने वाले मंदिर के पास। तो भैया वीडियो स्किप मत कीजिए, मंदिर आज देखिएगा, हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं भाई साईं बाबा के। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देख लीजिएगा मंदिर बहुत ही वाइट संगमरमर बना हुआ भैया, जो कि एक से बहुत ही खूबसूरत है। देख लीजिएगा यहाँ पर झूमर लगा हुआ, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी यहाँ पे वर्क चालू है, देख लीजिए यहाँ पे लोहे की सीढ़ी लगी हुई है, अभी यहाँ पर भी कार्य चालू है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, देख यहाँ की विंडो देख लीजिए भाई, इतनी बड़ी भव्य विंडो बनी हुई है जो कि बहुत ही देखने में सुंदर है। एक देख लीजिएगा यहाँ पर दरवाज़ा और विंडो के साथ में देख लीजिएगा, तो अभी हम दर्शन आपको कराने वाले हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर घड़ी बनी हुई है भाई, जो कि बहुत ही पुरानी घड़ी बताई जा रही है, जो कि अब इस समय देखने को बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पर देखो साईं बाबा की पालकी है, आप देख लीजिएगा पालकी देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर देख लीजिएगा एक ये मूर्ति है, देख लीजिए इसमें तस्वीर में बना हुआ है और 1700 लिखा हुआ है। यहाँ पर शेर भी बने हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये तबला है, जो कि भजन बजता है जब भी कहीं कीर्तन भजन होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कैमरा भी लगा हुआ भैया, LCD लगी हुई है, पूरा कैमरा चारों तरफ लगा हुआ, कहाँ पर क्या हो रहा है तो सब कुछ होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए गणपति बप्पा, तो आप देख सकते जय गणपति बप्पा मोरिया छह हो।
तो देख लीजिए कितना सुंदर कितना भव्य बना हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना भी बेहतरीन और कितना भव्य बना हुआ भैया देख लीजिएगा, कितना सुंदर भैया आप देख लीजिएगा भैया इतनी सुंदर मूर्ति, तो देख सकते हैं कितना भव्य बना हुआ आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है भाई साहब। आप लोग देखिएगा देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है भाई, अभी लाइटिंग की थोड़ा व्यवस्था कम है और यहाँ पर देख लीजिएगा कितना अच्छा सा बना हुआ जी श्री सिद्ध विनायक जी, तो देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना बेहतरीन है भाई। तो अभी हम पास से आपको दिखाने वाले, तो देख सकते हैं पास से देखिएगा कितना बेहतरीन लग रहा है भाई साहब, देख लीजिएगा कितना अच्छा। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं जो कीर्तन भजन कर रहे हैं देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम आपको साईं बाबा के दर्शन करवाने वाले भाई, फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर देख लीजिएगा लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईं नाथ महाराज की जय। वह देख लीजिएगा पर्यन मस्त लिखा हुआ है। तो अभी हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं साईं बाबा के, तो देख लीजिएगा कितना बेहतरीन बना हुआ साईं बाबा की मूर्ति, देख लीजिएगा कितना भव्य कितना आलीशान बना हुआ भाई। तो हम आपको जूम करके दिखाने वाले हैं, देख सकते हैं आप तो कितना बेहतरीन और कितना अच्छा बना हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम एक और आपको भगवान जी के दर्शन कराने वाले भैया, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और देखिएगा। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए श्री महालक्ष्मी माता जी हैं, हमारी माता लक्ष्मी माता देख सकते हैं, यहाँ पर हम माता लक्ष्मी के दर्शन आपको कराने वाले एकदम पास से कराने वाले, देख सकते हैं यहाँ पर माता रानी हमारी बैठी हुई है। तो देख सकते हैं कितना भव्य और कितना आलीशान मूर्ति बनी हुई है जो हमारी माता रानी जो सबकी सुनती है भैया, सारे जहाँ की माता है भैया, इनके आगे कुछ भी नहीं, ये सृष्टि की समझ लो आदि माता शक्ति माता भवानी है समझ लो, इनके आगे कुछ भी नहीं, त्रिदेव भी नहीं है भैया, सब कुछ इन्हीं से है, सब कुछ इन्हीं से उत्पन्न है, सब कुछ इन्हीं में से खत्म है, सब इन्हीं की इच्छा से अनुसार से सब कुछ होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीन है यहाँ पर कि अपना कीर्तन भजन जो भी होता है, तो यहाँ पर सकते हैं तो एक बार Oh।
देख सकते हैं अभी हम आपको कीर्तन भजन सब कुछ सुनाए भाई, देख सकते हैं यहाँ पर कितना बेहतरीन। और यहाँ पर देख लीजिए पंखाओं का, यहाँ पर झूमर उमर सब की व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही अच्छा। और देख लीजिए कितनी अच्छी चटाई यहाँ पर बिछी हुई है, यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छा दिखाया गया, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम जाने वाले हैं नीचे और दिखाएंगे आपको पार्क के बारे में, बताएंगे नीचे पार्क इतना खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं देखने रखने के लिए। तो देख सकते हैं अब हम नीचे उतर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छा बेहतरीन पार्क बना हुआ भाई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शिव वो बना हुआ है, फाउंटेन वाला भी बना हुआ है यहाँ पर, स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है, और यहाँ पे फव्वारा भी निकलता है लेकिन इस समय बंद चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ लेकिन अभी इस समय बंद चल रहा है, तो यहाँ पे पानी वाटर पूल चलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देख लीजिए यहाँ पे पेड़ कितने बेहतरीन बेहतरीन बने भाई, शाम के टाइम यहाँ पे जब भी कोई आता है लाइट वाइट व्यवस्था बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन होता है। देख सकते हैं यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग व्यवस्था बहुत अच्छी दी गई है, इसकी सुंदरता बहुत प्यारा दिया हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम बाहर से आप लोग को दिखा रहे हैं, बहुत ही प्यारा बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बना हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी दी गई है, तभी देख सकते हैं यहाँ पर। तो जाएंगे अभी हम देखते हैं यहाँ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है, शायद जिन्होंने स्थापना की हो शायद उनकी हो, तो अभी हम आपको उनको भी बताने वाले दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं यही है वो भाई समाधि इनकी बनी हुई है, और जो यहाँ के जो स्थापक जो इन्होंने निर्माण करवाया मंदिर के, शायद उन्हीं की ये प्रतिमा बनी हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे भव्य अच्छे अच्छे पेड़ आप लोग को दिख रहे होंगे, कितना बेहतरीन लग रहा है, चारों तरफ हरा भरा दिख रहा। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो देख लीजिएगा बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। अभी भी वहाँ पे वर्क चल रहा है, तो अभी हम यहाँ से इनको पास से दिखाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पर तो श्री स्वास्थ्य श्री कालिका प्रसाद सोनी इनका नाम है, ग्राम गुजौली जिला बांदा के हैं, तो इनका समाधि स्थल यहाँ पे बना हुआ है। तो देख लीजिए अभी यहाँ पर देख लीजिए कितने बेहतरीन अच्छा सा यहाँ पर हरा भरा सब कुछ दिखने वाला, तो देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अभी वर्क चालू है भाई, काम भी यहाँ पर चालू है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं तो इनके खेलने के लिए कूदने के लिए यहाँ पर व्यवस्था दिया गया, झूला उल्ला भी बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पानी वानी की सुविधा भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन। अभी यहाँ पर काम वाम चल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर देखो काम वाम चल रहा है, अभी बहुत ही बनना बाकी है। इधर देखो छोटे छोटे बच्चे लोग, बड़े बड़े बच्चे लोग भी झूला झूला झूल रहे हैं, छोटे छोटे देखो अभी पैर से बिटिया भी है इधर, बड़े बड़े देखो कितने बड़े बड़े बच्चे लोग भी झूला झूल रहे हैं। तो देखिएगा देखो बतख यहाँ पली हुई, इनके लिए पानी और खाना पीना दाना वाना सारी व्यवस्था दी हुई है। देखो बहुत ही बेहतरीन जोड़ा है इनका, बतख का बतख ही है शायद, देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। इनका दो जोड़ा है देख लीजिएगा, दोनों इधर दो इधर, और बहुत ही अच्छा इनके रहने के लिए व्यवस्था दी गई है, और पानी और इनका दाना सारी व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा है यहाँ पर, और बहुत अच्छा टेंपल बना हुआ है। अभी देख लीजिए कि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ है। तो अभी हम आपको लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं। तो भैया वीडियो स्किप मत कीजिएगा भैया, आज पूरा देखिएगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे इसी प्रांगण में एक और मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, ओम नमः शिवाय शिव महादेव का हमारा मंदिर बना हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर अभी महादेव के दर्शन आपको नहीं करा सकते, अभी हम वहाँ अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि महादेव हमारे अब समझ लीजिए कि हमारे बहुत ही प्रिय हैं। अब हम महादेव के ही भक्त, समझ लो महाकाल के ही भक्त हैं, लेकिन अभी ऐसे हम उनके पास नहीं जा सकते हैं। और हर मंदिर वैसे जाएंगे लेकिन वहाँ पे महादेव के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा कुछ अपना पर्सनली रीजन्स है। तो देख सकते हैं यहाँ पर झूला भी है और इधर बहुत अच्छा है, तो इधर भी देख लीजिएगा बहुत सारे लोग हैं, इधर बहुत सारी बहन लोग हैं, सब अपना अपना देखो झूला झूल रही हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा इधर लग रहा है। तो इधर देख लीजिएगा बहुत ही अच्छा, ऊपर इसकी गुम्बद देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, देख लीजिएगा बहुत सारे लोग हैं इधर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी हम आपको और कुछ दिखाने वाले हैं भाई, देख लीजिएगा भैया वीडियो स्किप मत कीजिए, आज वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही अच्छा भाई आपको साईं बाबा के दर्शन करवा दिया भैया, समझ लीजिएगा। यहाँ पर बैठने की उठने की हर एक चीज़ की सुविधा बहुत अच्छी, देख लीजिएगा कितना बेहतरीन वाइट टेम्पल भाई, आरबी टेम्पल भाई, नाम ही प्रसिद्ध खाली, समझ लीजिए कि फतेहपुर जिला का सबसे फेमस साईं बाबा का मंदिर है भाई। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया हुआ है भाई, किसी दिन शाम में आएंगे रात में आएंगे भाई तब आप लोग को दिखाएंगे कितना बेहतरीन और कितना अच्छा बनने वाला यहाँ पर। तो यहाँ पर पानी वानी की हर एक चीज़ की सुविधा दी गई है, देख लीजिएगा यहाँ पर जो रास्ता जाता है भाई, ये हमारे महादेव का जो हमारे आदि देवता कुल देवता है भाई, तो उन्हीं का है। तो अभी हम वहाँ पे नहीं गए हैं, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। तो देख लीजिएगा
अब ये बाहरी द्वार है, अब हम यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। तो और देख लीजिएगा एक बार इधर साईं धाम लिखा हुआ है यहाँ पर, और इधर देख लीजिएगा सारा कुछ लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ, पीने का पानी लिखा हुआ है। समस्त भक्तगणों को सूचित किया जाता है कि टेस्ट में कार्यक्रम का शुल्क हवन कुंड प्लस कुर्सी टेबल, देख लीजिए सब लिखा हुआ, देख लीजिएगा, देख लीजिए सारा कुछ लिखा हुआ। तो अभी एक बार हम आपको दर्शन और कराते मंदिर का, देख लीजिए कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। अब देख सकते हैं उधर, हम उधर साइड पे नहीं गए हैं, किसी दिन शाम में आएंगे भाई, शाम में बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लगने वाला है। तो भैया वीडियो आप देखिएगा, अगर जिन भाई बहन को वीडियो पसंद है भैया प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।